पीलीभीत के अमरिया ब्लॉक में तीन सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की बदतर हालत को बच्चों ने खुद अपनी जुबानी बयां किया। स्थानीय सांसद, केंद्रीय मंत्री, बाल विकास एवं कल्याण मंत्री मेनका गांधी के क्षेत्र में मिड डे मील की हालत काफी खराब है। विद्यालय में जो भोजन बनता है तो उसको जानवर भी एक बार खाने से मुंह मोड़ लेंगे। सब्जी में केवल आलू और वह भी ढूंढने से मिलता है। दूध के नाम पर धोखा और वह भी निर्धारित मात्रा से कम दिया जाता है। मीडिया द्वारा इस मामले में स्कूल के अध्यापकों से सवाल पूछे जाने पर उन्होंने मीडिया कर्मियों से बदसलूकी की। तो आज कितना दूध बच्चों को पिलाया गया है? बच्चों को दूध पिलाया गया, मीनू के साथ से पिलाया गया। मीनू में कितना है? मीनू 100 ग्राम है पर बच्चा जी। अच्छा, तो अभी आपके जो किचन में है उन्होंने बताया कि 2.5 किलो दूध आया था जी। और कितना उन्होंने ये कितने बच्चे तो लो, उनसे आपने पूछा कौन सा दूध, दूधिया वाला आया था या दुकान वाला आया था, पैकेट वाला, ओरिजिनल वाला, ये नहीं पूछा आपने। हाँ तो फैली कौन सा आता है? आप फैलिया दूध पीते हो? हमने पिया फैलिया दूध। नहीं भैया, हमने कभी नहीं पिया, हमने देखा भी नहीं है। आप बता रहे ना? बिल्कुल। हाँ तो आप मतलब कौन सा दूध था वो? अमूल का था। अच्छा, मतलब उसमें आधा किलो थैली में 1 किलो पानी मिलाया जाए ऐसा वाला ना, इतना गाढ़ा होता है? कौन सा? नहीं, वो दूध आप बता रहे हो तो इतना गाढ़ा होता है जिसमें आधा किलो दूध में 1 किलो और मिलाया जाए। नहीं, आप मुझे ये बताइए, जो दूध पिलाया जा रहा है, जो दूधिया लेके आते हैं उसमें और एक पैकेट वाले दूध में क्या अंतर है? अब आपको जानकारी तो होगी। नहीं भाई, हमें जानकारी, आप बताइए। मैं बता दूँ। आप प्योर मिलाते हैं उसमें कितना पानी मिलाते हैं? कौन पानी मिलाता है? 2.5 किलो दूध में कितना पानी मिलाते हैं? अब एक चीज बताइए, आप मानिए बच्चे जो है दूध आया है, ठीक है ठीक है, पैकेट वाला ठीक, जो अमूल का है, तो आप कैसे पिलाएंगे बताओ? आप गाढ़ा करके जैसा दूध आया है वैसे पिलाया जाएगा और एक्स्ट्रा मिला जाएगा? ठीक है। इतना ही नहीं, जिला के आला अधिकारी ने भी इस पर कुछ भी नहीं कहा। इस सब के बीच बच्चों की सेहत के साथ होने वाले खिलवाड़ का ये सिलसिला जारी है। क्या नाम है आपका भैया? फरमान सिंह। यहाँ स्कूल में क्या बोलते, दूध दूध बच्चों को मिल रहा है नहीं मिल रहा है? बच्चे बताते नहीं मिल रहा है। अच्छा, बच्चे बोलते नहीं मिल रहा है, खाने का मतलब पूरा वो मेनू ही नहीं मिल रहा। क्या नाम है आपका बेटा? प्राइमरी स्कूल पढ़ते हो? कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? आज आपको दूध मिला? नहीं नहीं मिला। दूध पिलाया रहे स्कूल वालों ने? कितना दूध पिलाया? आधा गिलास। आधा गिलास देते? हमेशा आधा गिलास देते हैं? हमेशा जब भी दूध बढ़ता आधा गिलास मिलता है? हमेशा आधा गिलास दूध मिलता है ना? अच्छा, ये खाना यह स्कूल से ही मिला है? तो खा रही हो तुम, खाना स्कूल से मिला है? दूध मिला आज? नहीं मिला। तो हमेशा नहीं मिलता है दूध? कभी कभी मिलता है। आपको खाना यहाँ भी बनाती है? हाँ। तो यहाँ दूध वगैरह मिल रहा है बच्चों को? मिलता। कभी कभी मिलता है। हाँ। आज मिला दूध? नहीं, नहीं मिला आज दूध। रामदेव रसोई, आप ये खाना बनाती है? हाँ, खाना बनाओ। तो बच्चों को दूध मिला आज? नहीं मिला आज ना। मिलो दूध नहीं आया आज ना। आपका सच्ची खाना खाया आज? हाँ। और दूध वगैरह दूध मिला आपको? दूध मिला? नहीं मिला। और आप लोग जो है ये जो कसम देखो कि मिश्रा रहते हैं, मिश्रा रहते हैं, गवर्नर है, गवर्नर को जी, ये प्रेस का ये मामला बहुत गंदा हो गया है। ये इधर पैसे दे दो, उधर पैसे दे दो, उधर दलाली नोचाना। इससे पहले हर विद्यालय पर विद्यालय 500 रुपए पत्रकार इकट्ठे कर चुका, क्यों कर चुका? नहीं तो उसमें ये सब लोग सच बात है, वो निकालो बढ़िया तरीके के लोग हैं। हमारी जो कमी लगे हमारे विद्यालय में, हमने आपसे कुछ कहा? हमारी जो भी कमी लगे, नहीं हमने आपसे कुछ कहा, ये बताइए। देखो ये बात, एक बार आपके बात आए तो बात करने का लहजा आपका गलत है, हमारा गलत नहीं। हमने कोई बात फोटो लेना, इधर आपको जो अच्छा लगे या जो खराब लगे हम आगे नहीं गए। हमने कुछ कहा? अभी किसी भी ने आईडी नहीं दी कि मैं यहाँ रहता हूँ, आप वहाँ रहता हूँ। नहीं मतलब मैंने ये बताया, मैं करीब में ही रहता हूँ और मैं जानता हूँ सबको। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हें अगर ये लगता हो कि मैं फर्जी वाला कर रहा हूँ या वो कर रहा हूँ, उस तरीके से आप भैया देखो, पीलीभीत के आए थे फर्जी, हम बता, मैं पीलीभीत के आए थे फर्जी, यहाँ
मगर उन्हें जे दे दो जब हमने उन्हें टाइट किया तो भाग गए। सर जानना चाहेंगे कि ये जो आपके यहाँ एक योजना चल रही है मिड डे मील की, तो इसमें कल कुछ पत्रकारों ने पंसोली गांव में एक कुछ अध्यापकों से बात की, तो उसमें अध्यापकों ने उनको धमकी दी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। भाई आपके माध्यम से मुझे जानकारी है कि आप लोग वहां गए स्कूल में, संबंधित स्कूल में जहां बता रहे हैं, आप उस अध्यापक को बुला के उसका पूछा जाएगा कि आपने क्यों ऐसा किया। हालांकि कोई भी जाए और उनको जानकारी देनी चाहिए थी, नहीं दिया, अभद्र व्यवहार नहीं करना किया था। एक सम्मानित नागरिक है आप भी, दोनों को अच्छे व्यवहार के साथ मिलना चाहिए। एक स्कूल है, एक अच्छी संस्थान है, एक अच्छी परंपरा के साथ मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला फिर भी उसको मैं पता कराऊंगा। सर इसमें कोई कार्रवाई का भी प्रावधान है? अब देखूंगा, उनको नोटिस दूंगा। क्यों ऐसा आपने व्यवहार किया? कोई भी जाता है मैं जमील के बारे में पूछ सकता हूं, उसको बताएं इससे व्यवहार हमको नहीं करना चाहिए था, जो अशोभनीय व्यवहार नहीं करना चाहिए। सर उस विद्यालय के बच्चे कह रहे थे कि उनको प्रॉपर रूप से वो नहीं मिल रहा है, दूध नहीं मिल रहा है, या तहरी है वो नहीं मिल रही है, इस तरीके की अगर विद्यालय में ऐसा नहीं मिल रहा है तो उनकी कार्रवाई करेंगे, जो संबंधित होगा उसकी कार्रवाई की जाएगी। सबको मिल रहा है, मिल रहा है अगर, जो प्रधानाध्यापक कार्रवाई करेंगे, नहीं मिल रहा।